इस वीडियो में हम देखेंगे जो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिशियन से जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, ये ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन पेपर है। इस एग्जाम 31 जनवरी 2019 को हुआ था, यानी कि कल एग्जाम हुआ, और इसका आंसर की यहाँ पे हम लेके आया हूँ। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हेन ए यूनिवर्सल मोटर इज ऑपरेट ऑन नो लोड, इट्स स्पीड इज लिमिटेड बाय आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर वेट, सी वाइंडेज एंड फ्रिक्शन, सप्लाई वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी। आंसर सी वाइंडेज एंड फ्रिक्शन। नंबर टू, फॉर सीलिंग फैन जनरली द सिंगल फेज मोटर यूज इज, सीलिंग फैन में कौन से मोटर यूज करेंगे? परमानेंट कैपेसिटर, टू डी। आंसर डी। द नंबर थ्री, रिलक्टेंस मोटर आर डबल एक्साइटेड मोटर, सिंगल एक्साइटेड मोटर, आइदर डबल एक्साइटेड और सिंगल एक्साइटेड, वन ऑफ दिस। रिलक्टेंस मोटर, रिलक्टेंस मोटर आर सिंगल एक्साइटेड मोटर। आंसर बी। नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिवर्सिबल मोटर, इनमें से नॉन रिवर्सिबल मोटर कौन सा है? आंसर फोर डी, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, नॉन रिवर्सिबल मोटर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल ऑपरेट एट हाई पावर फैक्टर, ए यूनिवर्सल मोटर, बी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, सी कैपेसिटर ऑन मोटर, डी स्प्लिट फेज मोटर। आंसर सी कैपेसिटर ऑन मोटर। कैपेसिटर ऑन के पावर फैक्टर हाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, द एफिशिएंसी ऑफ शेडेड फुल मोटर इज इन द रेंज ऑफ 80 to 95%, बी 70 to 80%, सी 50 to 70%, डी 5 to 35%। आंसर डी 5 to 35%। शेडेड फुल मोटर की एफिशिएंसी जो होती है तो 5 to 35%। आंसर डी। नंबर सेवन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैज लो स्टार्टिंग टॉर्क, मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, नन ऑफ दिस। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर। ठीक है, देन नेक्स्ट नंबर एट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इन एन इंडक्शन मोटर इज, ग्रेटर देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, बी लेसर देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सेम एज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, डी नन ऑफ दिस। आंसर बी, लेसर देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो एट एट, आंसर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, स्लीप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन करेंट, डिक्रीज इन टॉर्क, बी इंक्रीज इन करेंट एंड टॉर्क, डिक्रीज इन करेंट एंड टॉर्क, डी डिक्रीज इन करेंट एंड इंक्रीज इन टॉर्क। आंसर बी, स्लीप इंडक्शन मोटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन करेंट एंड इंक्रीज इन टॉर्क। नंबर बी, आंसर बी। नंबर टेन, इफ द एक्साइटेशन इज क्रिटिकल देन पावर फैक्टर ऑफ द अल्टरनेटर इज, यूनिट पावर फैक्टर। आंसर ए। ओके, देन इलेवन, व्हाट इज द नेसेसिटी कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर, पैरेलल ऑपरेशन का कंडीशन क्या है? टर्मिनल वोल्टेज इज सेम, फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, स्पीड अल्टरनेटर शुड बी सेम, डी टर्मिनल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। आंसर डी, 11D, टर्मिनल वोल्टेज सेम होगी और फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी पैरेलल कंडीशन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन 12, एन अल्टरनेटर इज ऑल्सो कॉल एसी जनरेटर। आंसर ए, अल्टरनेटर को एसी जनरेटर भी कह सकते हैं और सिंक्रोनस जनरेटर, यहाँ पे आंसर ए।
Then 13 alternators are rated in KW, KVAR, CKVA, DHV. Alternator ka rating hota hai KVA. Answer C. 3-phase alternators are generally star connected, delta connected, open circuited, short circuited. 3-phase alternators are generally star connected. Answer A. Number 15. In alternator, fractional pitch coil are used to reduce effect of hunting B harmonic armature reaction power vector. Answer B. Fractional pitch hamesha harmonic ko reduce karta hai. So answer B. Then next question. Number 16. Active power of alternator can be varied by changing field excitation, changing prime mover speed, changing the load, none of these. Answer B. Yeah, 16 B. Then number 17. Under short circuit condition, the power factor of an alternator is A unit, B almost zero lagging, almost zero leading, same as normal condition. Yep, answer B, almost zero lagging. Under short circuit condition, power factor of alternator is almost zero lagging. So answer B. Then number 18. An unexcited single phase synchronous motor is option A, reluctance motor, B, repulsion motor, C, inversion motor, D, none of these above. Unexcited single phase synchronous motor is eighteen A. So answer A. Then 19. Synchronous motor can operate A lagging power factor only, B leading power factor only, C unit power factor only, D lagging, leading and unit power factor only. यहाँ पे आंसर D. Synchronous motor हमेशा तीनों power factor में operate होती है, और lagging, leading and unit power factor. Answer D. ठीक है. Then next question number 20. The damping winding in a synchronous motor is generally used to provide starting torque only, to reduce noise level, to reduce ED current, D to prevent hunting and provide starting torque. Answer D. Damping torque hamesha use hoti hai hunting ko reduce karne ke liye aur स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करने के लिए. सो आंसर 20 डी. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. द आर्मेचर करंट ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर हैज लार्ज वैल्यू फॉर. आंसर ए, लो एक्साइटेशन ओनली. ओके, द आर्मेचर करंट ऑफ सिंक्रोनस मोटर हैज लार्ज वैल्यू. आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी जब हम एक्साइटेशन को कम करेंगे. ठीक है. सो आंसर इज ए. देन नंबर 22. द बैक ईएमएफ ऑफ द स्टार्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर डिपेंड ए स्पीड ऑफ रोटर, बी रोटर एक्साइटेशन, सी नंबर ऑफ होल, डी फ्लक्स डेंसिटी. ओके, आंसर बैक ईएमएफ हमेशा सिंक्रोनस मोटर में डिपेंड होते हैं. डी फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है. बैक ईएमएफ इन दिस स्टार्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर डिपेंड ऑन फ्लक्स डेंसिटी. आंसर इज डी. ओके, देन नंबर 23. In a synchronous motor, the torque angle is the angle between the rotating stator flux and rotor pole, B the angle between magnetizing current and back EMF,
see the angle between the supply voltage and back EMF, D none of this above. This in a synchronous motor, torque angle is the angle between the rotating stator blocks and rotor pole. जो सिंक्रोनस मोटर के जो टॉर्क एंगल होता है वो हमेशा रोटेटिंग फ्लक्स की और रोटर पोल के बीच में एंगल फॉर्मेशन होती है. सो आंसर ए. नंबर 24, द कोर फ्लक्स इज ट्रांसफार्मर डिपेंड मेन ओनली सप्लाई वोल्टेज. बी सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी. सी सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड लोड. D supply voltage and load but independent frequency. Transformer जो core में flux linkage होती है हमेशा उस supply voltage और frequency के ऊपर में ही dependent है. So answer B. Number 25, radiant efficiency of the luminous source depend on shape of the source, wave of light rays, temperature of the source. D ऑल ऑफ दिस अबव. यहाँ पे डी ऑल ऑफ द अबव आंसर डी. ओके तो 25 इज डी. तो फ्रेंड ये था हमारा 25 क्वेश्चंस जो 31 जनवरी 2019 को हुआ था. वीडियो लंबे होने के कारण पूरा वीडियो नहीं बन पा रहा है. सेकेंड पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा एक नए वीडियो में. तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड बाय.